मित्रों, किताब उत्सव के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये सत्र राजकमल चौधरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित होगा। मैं तारानंद वियोगी जी से, विकास कुमार झा जी से और तरुण कुमार जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। विकास जी, आज हिंदी के एक बहुत ही जाने माने कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती है। राजकमल प्रकाशन समूह उनकी स्मृति को भी नमन करता है और विकास कुमार झा से आग्रह करता है कि राजकमल चौधरी पर अपना वक्तव्य रखें। आज राजकमल चौधरी रचनावली हम लोगों के सामने है, हम लोगों के पास है और यह एक ऐसे महाप्राण व्यक्तित्व की कृतियां इन रचनावली में, इस रचनावली में संकलित है। मात्र 38 वर्षों के जीवन में, अल्प जीवन में कोई व्यक्ति कितना अधिक और पूरी गुणवत्ता के साथ लिख सकता है, एक लेखक इसके उज्जवल उदाहरण है राजकमल चौधरी जी। राजकमल चौधरी जी ने समान रूप से हिंदी और मैथिली में लिखा, बेशक उन्होंने हिंदी में अधिक लिखा, लेकिन जिस तरह जनकवि नागार्जुन ने मैथिली और हिंदी में भी लिखा, राजकमल जी ने भी वह लिखा। जैसे मैथिली में उनके 3 उपन्यास, 100 के करीब कविताएं और 37-38 कहानियां इस तरह से, जबकि मैथिली में, जबकि हिंदी में 8 उपन्यास हैं उनके और कविताएं करीब 250 के करीब हैं, कहानियां 100 से थोड़े कम है, 96-97 ऐसी कुछ कहानियां हैं। और सबसे जो राजकमल जी का जो पूरे साहित्य का जो दर्शन है वह अद्भुत मुझे लगता है, क्योंकि वह अद्भुत इस मायने में लगता है कि जीवन को कितने, मतलब पूरा छिलका छुड़ा के जैसे किसी चीज को हम देखते हैं, राजकमल चौधरी ने जीवन को उस रूप में देखा है अपने संपूर्ण साहित्य में। जैसे वो कहते हैं वो कि हम प्रेम करते हुए भी हम सच्चाई, सत्य को, गंदगी को, अंधेरे को और पाप को नहीं भूल पाते हैं। प्रेम करते हुए भी हम सत्य को, गंदगी को, अंधकार को और पाप को नहीं भूल पाते हैं। अब यह जो राजकमल जी की टिप्पणी है, यह टिप्पणी उनके पूरी सभी समस्त रचनाओं में मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। सेक्सुअलिटी को लेकर के राजकमल चौधरी ने जो, मतलब उनका, मैं समझता हूं कि उनकी रचनाओं का अधिकांश और उस सेक्सुअलिटी को लेकर जो मनुष्य जीवन का एक बहुत अनिवार्य तत्व है, उसको लेकर राजकमल जी ने जितनी सूक्ष्मता से, जैसे हम लोग मंटो को लेकर चर्चा करते हैं, मंटो के साहित्य को लेकर के, तो हिंदी में
राजकमल चौधरी इस मामले में तो अद्वितीय थे, जिन्होंने कि यह मतलब निसंकोच होकर, क्योंकि इसके खतरे भी बहुत थे, जो खतरे मंटो को भी झेलने पड़े थे उर्दू में, तो राजकमल चौधरी ने इसकी बगैर परवाह करते हुए, उन्होंने कहा भी है अपने 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 बातों में, अपनी टिप्पणियों में, कि मैं शरीर में रहकर भी शरीर से मुक्त हूं और मैं समाज में रह करके भी समाज से मुक्त हूं। तो ऐसा मुक्त व्यक्ति ही इस तरह मुक्त भाव से वह ऐसे वर्जित क्षेत्र में जा सकता है जिसको कि आम तौर से लोग सामाजिक शुचिता के कारण उसमें प्रवेश करने से डरते हैं। और आप चाहे वो मैथिली में उनकी कृति हो, चाहे हिंदी में उनके उपन्यास हो, एक अनार एक बीमार, नदी बहती थी मछली मरी हुई का तो कहना ही क्या है। लेस्बियन पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये समलैंगिकता जो है उसको अपराध के दायरे से हम मुक्त करते हैं, बरी करते हैं, 2018 में। राजकमल चौधरी ने छह दशक के करीब पहले मछली मरी हुई की रचना की थी, समय से बहुत आगे के लेखक थे, बहुत आगे के लेखक थे। और इसी तरह एक अनार एक बीमार लीजिए, 20 रानियों का बाइस्कोप लीजिए, तो राजकमल चौधरी अपनी रचनाओं में मनुष्य मन की जो बहुत सारी उलझने हैं, वह उसको इतना इतने गजब इतनी सूक्ष्मता से उस तंत्र को, उस उलझे हुए तंत्र को सुलझाया है, जो राजकमल चौधरी के ही वश की बात थी। एक जमाना था जब हम लोग मतलब ये पढ़ते थे कि भाई ललिता को, लेडी चैटर्जी लवर को बैन कर दिया गया था, बाद में वो क्लासिक के रूप में माना गया, तो उसकी कितनी भर्त्सना की गई थी ललिता और लेडी चैटर्जी लवर को, लेकिन बाद में वो क्लासिक लिटरेचर में शामिल हुआ। राजकमल चौधरी इसलिए मतलब यह एक उस समय जो राजकमल चौधरी का यह लेखन, जो मैंने कहा कि सेक्सुअलिटी को लेकर, और जो बड़ा एक जरूरी मसला था, चाहे वो हम फ्रॉयड को पढ़ें या और बहुत सारे एक मनोविश्लेषकों को पढ़ें, मनोवैज्ञानिकों को के विचारों को देखें, राजकमल चौधरी ने इस वर्जित प्रदेश की गहन यात्रा की है जो सेक्सुअलिटी है, और उसके जरिए मनुष्य मन का, उसकी उसकी सभी उन उन परिस्थितियों का चित्रण राजकमल चौधरी ने किया है। और फिर वो जो मछली मरी हुई के अंत में वो पंक्ति जो मुझे स्मरण जो मुझे याद आ रही है, सब कुछ मर जाता है, करुणा नहीं मरती है, एक सिर्फ करुणा नहीं मरती है। तो मनुष्य वो जो यह जो करुणा का तत्व है, राजकमल अंत में वहां पर आते हैं इन सभी चीजों की यात्रा करते हुए। इसलिए राजकमल चौधरी ने जो साहित्य को और समाज को, जैसे वो कहते हैं कि अपने अपने शरीर के महत्व को जानने के लिए और अपने देश के महत्व को जानने के लिए, ये बात राजकमल चौधरी ही कह सकते हैं कि अपने शरीर के महत्व को जानने के लिए और अपने देश के महत्व को जानने के लिए बीमार पड़ना जरूरी है। अभी कोरोना से हम लोग गुजरे हैं। अब आप जरा इस नजरिए से इनके राजकमल जी की के इस कथन को जरा देखिए कि अपने शरीर के महत्व और अपने देश के महत्व को जानने के लिए बीमार पड़ना जरूरी है। तो ये एक जो दर्शन, जो जीवन दर्शन है राजकमल चौधरी में, अद्भुत है, मतलब इतना गहरे है जिसका जवाब नहीं है। मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, कई महान हिंदी की ही महान कृतियों, कुछ एक दो कृतियों के बारे में उस समय के बड़े बड़े दिग्गजों ने, नंदलाल वाजपेयी और लोगों ने कहा कि मैं, वह एक क्लासिक कृति मानी जाती है हिंदी की, लेकिन मैं पूरी कृति वो पूरा वो पढ़ गया मैं, पर मुझे कहीं एक कलम लगाने का की इच्छा नहीं हुई कि हाँ इस पंक्ति को अंडरलाइन करते हैं। तो कोई कृति जो क्लासिक होती है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग है, हम लोग बड़ी बड़ी कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी कहानी जो जहां आप रुकते हैं, जहां आपको लगता है कि एक पेंसिल से निशान लगा दें, जो फिर कभी पलटेंगे तो देख लेंगे जरा उसको, राजकमल चौधरी की कृतियों में
ऐसी भारी पड़ी होती है। मैंने तो 4-5 उदाहरण आपको जो दिया है वो उदाहरण इसका बिल्कुल आपके सामने इसका उदाहरण है। तो साहित्य जो है वह सिर्फ कथा मात्र कहने के लिए नहीं है। साहित्य तो आपको वो आपके भीतर जो सोए हुए सुप्त विचार है या जिस पर आपने कभी विचार ही नहीं किया है। समलैंगिकता कोई महानगरों का ही मसला नहीं रहा है। समलैंगिकता तो गांव गांव में कस्बे कस्बे में रहे बहुत से लोग इससे अनजान भी रहे हैं लेकिन इस कर्म में रहे हैं वो। और एक ट्रुथ है, ये जीवन का ट्रुथ है। जैसे कि मतलब वो जो ट्रांसजेंडर्स की बात कही जाती है, कोई हम लोगों ने तो नहीं, विधाता ने बनाया है ना उनको, वो एक सच है, एक हकीकत है। इसलिए राजकमल चौधरी, दरअसल मैं तो ये मानता हूं कि राजकमल चौधरी एक कथाकार या कवि से ज्यादा राजकमल एक दार्शनिक है। जस्ट ही इज नॉट अ वेरी मतलब वंडरफुल स्टोरी टेलर, ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम। और राजकमल चौधरी के साहित्य को जैसे मतलब हमारे एक गुरुजन हैं, वो लोग कहते हैं कि जो बहुत सी उनको उनका कहना है कि ये मानस जो है वह मैं मानता हूं कि वह ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि यह मान, और मैं उससे सहमत नहीं हूं क्योंकि वो ब्राह्मणवादी ग्रंथ होते हुए भी मैं इसलिए पढ़ता हूं उसको क्योंकि मानस जो है रामचरितमानस जीवन शैली के बारे में हमको बताता है। मैं जीवन शैली कैसे हम रखे, कम से कम यह तो हमें पता चलता है। मैं राम कथा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूं मानस को, मैं जीवन शैली के बारे में जो निर्देश तुलसीदास जी ने दिया है मैं इसलिए पढ़ता हूं। अब सबका अपना नजरिया है। मानस कहते हैं कि हम भी पढ़ते हैं मानस की के प्रति हम श्रद्धावान होकर नहीं, हम जिज्ञासु होकर पढ़ते हैं कि तुलसी बाबा जीवन शैली के बारे में क्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण एक पंक्ति का मैं बताता हूं आपको, वो कहते हैं कि भाई जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करते ही तुरंत फल मिले, हाथ के हाथ फल मिल जाए। तो तुलसी बाबा मानस में कहते हैं मज्जन फल तत्काल ही चाखा, स्नान कीजिए तुरंत मन प्रसन्न हो जाएगा, मज्जन बने स्नान, मज्जन फल तत्काल ही चाखा। तो फिलोसफी ऑफ लाइफ जीव और जीवन शैली की कथा भी हो, ये नहीं है कि सीताराम जी की और रावण की कहानी कह के वो निकल जाते हैं। मानस इसलिए एक महान ग्रंथ है क्योंकि वह हमें जीने की कला सिखाता है। राजकमल चौधरी की रचनाएं इसलिए महान है क्योंकि हमें जीवन के गहरे दर्शन की तक वो उसके उसके तल तक पहुंचाती है। और इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। राजकमल चौधरी को हम जबकि ये रचनावली जब हम उठाएं तो हम ये पढ़े, ये सोच कर पढ़े कि हम कथा नहीं हम दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। मैं तरुण जी से बाद में सुनेंगे। हाँ मैं तरुण योगी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें जी। धन्यवाद विकास जी, ने बहुत सारी बातें कही। तरुण सर से हम लोग और सुनेंगे। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा उस प्रसंग से जिससे मेरी किताब की शुरुआत होती है। राजकमल चौधरी के बारे में जो मेरी किताब है जीवन क्या जिया, वो शुरू होता यह है कि वो लेखक के मरे हुए, राजकमल चौधरी के मरे हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं और उस गांव में नए लड़कों का एक ऐसा जनरेशन आ गया है जो उस आदमी को खड़ा करना चाहता है। और गांव में ब्राह्मणों का गांव है, गांव में उसके प्रति इतना निषेध इतना विरोध है कि कोई उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। वो कलंक लोग मानते हैं और धर्म को नष्ट कर दिया उस आदमी ने। और वो अगर जिंदा रह जाता तो ये गांव, ये संस्कृति, ये यहां का महिषी का उज्जवल इतिहास, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती। और उसमें वो लड़के, वहां का जो सबसे पवित्र स्थल है वो है
रामशाला जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ने की थी, और वो लड़के रामशाला पर चढ़कर और वहां राजकमल की जयंती मनाते हैं 13 दिसंबर को, और वो मना लेते हैं। उसके बाद उनकी रचनाओं की खोज में लगते हैं और पहली रचना मिलती है। फिर उनके ऐसे ऐसे उपन्यास हैं कि दरभंगा में एक उनका एक उपन्यास छप रहा था और लोगों ने उस प्रेस वाले के शत्रुओं ने झूठ मूठ का ये हल्ला उठा दिया कि अश्लील साहित्य छप रहा है वो उस प्रेस में, और वहां पे छापामारी करने के लिए पुलिस अभी पहुंचने वाली है। और वो इतना घबरा गया प्रेस का मालिक कि उसने पांडुलिपि समेत उस किताब में को पेट्रोल से जला दिया, वो भीतर अंगनई में ले जाके, और उससे किताब उस तब तक पूरे सभी फर्मे छप चुके थे, उसकी बाइंडिंग भी हो चुकी थी, उसका कवर लगना केवल बाकी था। और ये लड़कों को पता चलता है, ये मैं आगे की कहानी बता रहा हूं, लड़कों को पता चलता है कि भाई उसकी 3 किताब निकली थी वहां से, एक राजकमल के पास गई थी, एक उसके जो पब्लिशर थे एसी दीपक उनके पास गई थी, और एक और कहीं गई थी। वो खोज में लगते हैं और फिर 10 साल 12 साल 15 साल की खोज के बाद वो किताब मिल जाती है। तो इस रचनावली में, रचनावली का महत्व तो इस अर्थ में भी है कि ये सारी चीजें इसमें संकलित हैं जो इस तरह से जला दी गई पांडुलिपि समेत। तो मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा कि इतना निषेध उस आदमी के बारे में क्यों था, क्यों लोग उसका नाम तक सुनना नहीं पसंद करते थे और कलंक मानते थे। और मैं आपको बताऊं, खुद उनके परिवार में राजकमल ने हिंदी में पहली लंबी कविता लिखी, मुक्ति प्रसंग उनकी कविता है। मेरी यह भी इच्छा है कि मुक्ति प्रसंग की कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच पढ़कर सुनाऊं। तो मुक्ति प्रसंग हिंदी की पहली लंबी कविता है और जो इतनी मशहूर हुई कि राजकमल की सबसे मशहूर कृति के रूप में हम लोग उसको याद करते हैं। और उसकी पहली समीक्षा केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी थी, जो उनके काफी सीनियर कवि थे। तो वो पटना सर्जिकल अस्पताल में जब उनका ऑपरेशन हुआ था उस दौर में उन्होंने वो किताब लिखी थी, लेकिन वो बच गए थे। बच जाने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि वो गांव में जाएंगे। अब देखिए कि वो आदमी अपने 38 साल में इतना जीवन वो जी चुका है, इतना लंबा जीवन उसने जिया है कि आप जरा वो देखें उनके जीवन को, अगर आप पलट कर देखेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि इस तरह से कोई जी सकता है। इतनी त्वरा के साथ उन्होंने जिंदगी को जिया। और इस जीने में आपको पता है कि उनको लिखने के लिए कितना वक्त मिला, 8 वॉल्यूम में ये रचनावली छपी है, और लिखने के लिए उनको उनके पास 7 वर्ष का समय मिला। 7 वर्ष से पहले वो लिख रहे थे, लेकिन वो बचपने की चीजें थी, वो अभ्यास के दौर की चीजें थी, जिसको दरअसल हम राजकमल का साहित्य कहते हैं, और जिसका जिसकी मैंने जिसका मूल्य हिंदी में या मैथिली में तो अनमोल है। मैथिली को तो उन्होंने एक भाषा को खड़ा कर दिया। नागार्जुन के लिखने के बाद मैथिली में एक सवाल था कि आप यह साहित्य कहां जाएगा, अब इससे आगे क्या है। राजकमल ने जबकि और राजकमल बुरे से बुरे दिनों में जिस एक आदमी ने उनको सहारा दिया वो नागार्जुन थे, और उस नागार्जुन के बारे में राजकमल ने अपना जो पहला कविता संग्रह उन्होंने छपाया उस कविता संग्रह के समर्पण पृष्ठ पर लिखा कि उनका जो युग था ना यात्री का नागार्जुन का, वो बीत चुका, वो बीते जमाने की चीज हुए। और आपको इस बात के लिए भी आश्चर्य लगेगा कि इसका सबसे ज्यादा स्वागत जिस आदमी ने किया था वो नागार्जुन ने किया था। तो इस तरह से और नागार्जुन का आप देखेंगे कि मैथिली में जो दूसरा कविता संग्रह आया वो राजकमल ने दरअसल क्या किया था कि उन्होंने उनका कविता वाचक बदल दिया था। अब देखिए कि हर एक आप हर भाषा की कविता का एक कविता वाचक होता है,
आमतौर पर कथावाचक शब्द का प्रयोग हम लोग करते रहे हैं, कविता वाचक थोड़ा नया जैसा लगता है कि भाई कविता कह कौन रहा है, ये सारी बातें बता कौन रहा है। तो नागार्जुन का जो कविता वाचक है वो एक ग्रामीण आदमी है, वो जागरूक है, वो जागरूक है, उसको चेतना है उसके भीतर, उसको अपने अधिकारों की समझ है, बावजूद इसके कि वो ग्रामीण है। और राजकमल का जो कविता वाचक है वो बौद्धिक है और नागरिक है, नागर बोध से भरपूर है, वो पूरी दुनिया को जानता है। तो ये जो चीज है वो पूरी की पूरी उस भाषा में इस चीज को लाने वाले वो आदमी। इस तरह की कितनी सारी चीजें आप देखेंगे कि हिंदी में राजकमल चौधरी ने लाया। मुझे याद आता है कि अब राजकमल को आलोचकों ने जितना क्या कहेंगे कि नापसंद किया, मुझे याद आता है नामवर सिंह की कही हुई बात की, जिन्हों उन्होंने एक जगह बोलते हुए ये कहा था कि राजकमल चौधरी अपने लिखे हुए से भी अपने जिए हुए में ज्यादा गंदा था। अब देखिए, लिखना और जीना दोनों को समेट लिया एक पंक्ति में, तो इन पंक्तियों का उपयोग किया राजकमल ने, किया क्या भाई। तो जैसे अभी विकास भाई बता रहे थे कि लेस्बियन लड़कियों के बारे में उन्होंने पहला उपन्यास लिखा, कोई सोच नहीं सकता था। लैंगिक फर्क करना जो आज तो ये हमारे फैशन में है, अब साहित्य की मुख्य धारा में ये बात बनी हुई है, लेकिन इस बात की शुरुआत जहां से होती है वो राजकमल चौधरी का, वो आपको ख्याल आएगा, वहां पे आपको वो चीज दिखाई पड़ेगी। असल है क्या कि राजकमल उस पीढ़ी से आते थे कि आजादी के बाद वो मतलब उनकी आंख खुलती है। 1942 में झंडा फहराने में उन्होंने डंडा भी खाया था पुलिस का। तो आजादी के बाद और आजादी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तो बहुत बड़े बड़े आदर्श थे, उन आदर्शों को ध्वस्त होते हुए जिस पहले पीढ़ी ने देखा था उससे राजकमल चौधरी आते थे। हम लोग तो बहुत दूर हैं, हम लोग क्या पता कि आजादी के आदर्श क्या थे। हमको तो हम लोग तो पढ़ के सीखते हैं, पढ़ के जानते हैं। वो पहली पीढ़ी थी जिन्होंने इसको ध्वस्त होते हुए देखा था। और मुक्ति प्रसंग की एक पंक्ति है कि इस लोकतांत्रिक संसार जिसको आप कह रहे हैं, लोकतंत्र का जो ये जादू है ना, अब तो बहुत बढ़िया से उतर चुका है। उन्होंने ये वो लिखा है कि आदमी को इस लोकतांत्रिक संसार से अलग हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। वो मैं आपको पंक्ति पढ़कर सुनाता हूं, चले जाना चाहिए। तो ये जो मोहभंग है, ये जो एक हताशा है जो पूरे वो वर्ग में है, युवा वर्ग की हताशा है, और जिन कारणों से आलोचकों ने उनकी रचना से परहेज किया, उन्हीं कारणों से आप देखेंगे कि दिनों दिन हर आने वाली पीढ़ी के साथ राजकमल चौधरी की स्वीकार्यता बढ़ती जाती है। उस जमाने में भी आप पाएंगे कि एलन गिन्सबर्ग भारत आए थे तो एक इकलौते जिस आदमी को उन्होंने खोजा था वो राजकमल चौधरी थे, राजकमल चौधरी को खोजा था। और बनारस में उतने दिन एलन गिन्सबर्ग जो जब तक रहे, राजकमल चौधरी बनारस में बने रहे। तो ये सब चीजें, अब कुछ चीजें तो बहुत आश्चर्यजनक थी, जैसे राजकमल चौधरी को किसी ने लिखते हुए कभी नहीं देखा था। सब आश्चर्य करते थे कि आदमी लिखता कब है, दिन भर मटर गश्ती, इसके साथ वो, उसके साथ वो, वहां वहां लोगों ने लिखा है कि कोई दारू पिला दे तो इसके लिए वो पीछा करते रहते थे। तो ठीक है भाई, पीछा कर तो वो करते रह सकते थे, क्योंकि कोई रोजगार उनको नहीं था, वो लिखे हुए से जो पैसे उनको आते थे वही एकमात्र साधन था। तो लिखते कब, शशिकांता जी ने मुझे बताया कि वो कब लिखते थे, उनकी पत्नी, और लिखने का क्या उनका अंदाज था और क्या तरीका था।
अब देखिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कोई 7 वर्ष के जीवन में 8 खंड रचनावली लिख के जाए, और वो भी और मुझे लगता है कि मैथिली का तो इसमें है ही नहीं, मैथिली का पूरा बचा हुआ है, और फिर भी मुझे लगता है कि 25% बचा हुआ है। तो जब तक वो पटने में थे, पटना के सचिवालय में उन्होंने नौकरी की शुरुआती दिनों में, फिर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, और नौकरी छोड़ के वो फ्रीलांसिंग करने लगे। बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष का उनका जीवन था, और फिर कलकत्ता में जब वो रहने लगे तो वो अपनी पत्नी बच्चों को भी ले गए वहां। तो वहां वो क्या करते थे, मच्छरदानी लगाते थे, रात को मच्छरदानी लगाते थे, और पहली बार एक टेबल फैन उनके घर में आया था। पटने में जब तक उनका डेरा था उनके घर में पंखा नहीं होता था, जबकि उनके कष्ट का वर्णन कई लोगों ने किया, उनके मित्रों ने, मैंने वो चीजें पढ़ी है कि वो उनके घर में पंखा नहीं होता था, वो गर्मी के समय ऊपर छत वाले ऊपर चदरा था, और उसमें शशि और बच्चों के साथ वो रहते थे। तो उसमें वो टेबल फैन रख लेते थे और लालटेन रखते थे, और फिर वो लिखने लगते थे। योगीराज मैथिली के एक लेखक हुए हैं, योगीराज ने कुछ संस्मरण लिखे हैं राजकमल चौधरी के बारे में। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि वो कलकत्ते में कुतियारी ईस्ट में जब उनका डेरा था तो उसी आसपास में योगीराज भी उन दिनों रहते थे। तो योगीराज सुबह सुबह चाय पीने उनके घर पहुंच जाते थे। अब राजकमल चौधरी के साथ सुबह की सोहबत किसी को मिल जाए तो क्या कहना। तो योगीराज हर सुबह मिलते थे, और वो देखते थे कि उनका जो डस्टबिन होता था वो हर दिन भरा रहता था फाड़े हुए कागज से। उस सुबह राजकमल सोए हुए थे, देर तक पहले योगीराज पहुंच गए। उन्होंने डस्टबिन से वो तमाम कागज के टुकड़े निकालकर उनको जोड़कर उनको पढ़ने की कोशिश की, और वो आदमी चूंकि वो भी साहित्यकार थे तो उन्होंने जोड़ के पूरा पढ़ लिया, और पढ़ लिया। राजकमल जब जगे और चावक हुआ तो उन्होंने पूछा कि भैया ये तो ठीक ही जा रही थी, इसको फाड़ क्यों दिया। यानी कि वो पूरी कहानी समझ गए थे, 40 पेज वो लिख चुके थे। उस रात उन्होंने 40 पेज लिखा था, और सुबह वो सारे 40 पेज डस्टबिन को समर्पित। तो दरअसल कोई नहीं कह सकता था, कोई नहीं, दूसरा आदमी नहीं कह सकता था कि राजकमल किन चीजों से संतुष्ट होंगे और किन चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे। ये एक ऐसी खूबी थी कि वो सीधे सीधे हर आने वाली पीढ़ी के साथ उनको जोड़ती है, कि कुछ चीजें मतलब एक बेहतरी सब कुछ के बावजूद एक बेहतरी, और हर एक रचना के साथ, हर एक क्रिएशन के साथ एक बेहतरी की उम्मीद, राजकमल चौधरी का व्यक्तित्व का हिस्सा था। तो वो जो भी लिखते थे कभी दोबारा उसको पढ़ते नहीं थे, सीधे सीधे मतलब लिखा और उसको लिफाफे में बंद किया और जिसको भेजना उसको भेज दिया। तो ये सारे उनके तरीके थे। उन्होंने भाषा एक ऐसी भाषा का उन्होंने इजाद किया, उनकी शैली इतनी अद्भुत शैली है कि आप नाम आपको पता यूं ही चल जाएगा, आप कोई पृष्ठ देखें तो आपको वो पता चल जाएगा। मैं आपको उनकी कविता का कुछ अंश सुनाता हूं। मैं आपको सुनाता हूं कि मुक्ति प्रसंग शुरू कैसे होता है। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मैं उसकी बाहों में, उसकी यानी कि मृत्यु की पर लिखी गई ये कविता। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मैं उसकी बाहों में, यूनिसेफ एम्बुलेंस की दुर्गति मेरे नशे में डूबी हुई, मैं ही प्राप्त करूंगा इस नगर वधु को महाश्मशान बनाने का श्रेय, मेरे ही
शंख चक्र मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में। राजकुमार की एक खूबी यह है कि उनके यहां तांत्रिक शब्दावलियां बहुत आती हैं, मिथक बहुत सारे आते हैं, वो स्वयं भी तंत्र साधक थे, तो बहुत सारा पक्ष है। तो ये तो आप देखेंगे तो थोड़ी सी चर्चा ही हम लोग कर सकते हैं इस सत्र में। मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में जलते हुए मेरे ओठ दुहराते हैं वही एक शब्द बार बार, बीज मंत्र वही एक काम तंत्र। छत से पलंग तक झूलती हुई रस्सी का फंदा और सर्जिकल अस्पताल तक की स्वप्न यात्रा में कहता है उपाध्याय, कुछ नहीं होगा तुम्हें वैसा जो नहीं हुआ है अब तक मरमान तक, किंतु मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे कंधे एक काले पत्थर की अपनी बाहों में समेट कर वह मुस्कुराती है, वही होगा, वही होगा, रोक लिया गया था जिसे अब तक, विपरीत ऋतुओं और मांगलिक नक्षत्रों के कारण। मसूरी हिल की नीली दरारों में योगासन करती हुई देव कन्याएं, बालीगंज झील के ओवर ब्रिज पर सोए हुए लावारिस ऑक्टोपस, बालीगंज झील के ओवर ब्रिज पर सोए हुए लावारिस ऑक्टोपस कोका कोला के नीले गिलास में रम डालकर देह की राजनीति करती थी मंजू हालदार। नीली नदी थी मेरे गांव की उन्मादिनी, नीली उग्र तारा। उपाध्याय कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, उपाध्याय कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, वापस चले आओगे नदी के किनारे से, वापस चले आना, तुम्हारी नियति है हर बार प्रत्यागमन। वह आदिवर्ण, वह नीलापन तुम नहीं पाओगे अपराजिता, कभी नहीं। मैंने नहीं, ऋषि शंकराचार्य ने सागर तट पर प्राप्त की थी जांघों में अग्निपिंड, वाणी में स्तुति शब्द, आंखों में ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत वह नील कन्या। ये उग्रतारा का बिंब है जो इस कविता का केंद्रक है, वो बार 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 वो बिंब आता है। मैं आपको उनकी ये देखिए कि पटना सर्जिकल अस्पताल में ये मुक्ति प्रसंग लिखा गया 1966 के 15 अगस्त को, राजकमल ने इसको प्रकाशित करवाकर उसका विमोचन किया, वो स्वस्थ हो गए और गांव चले गए। गांव में मुश्किल से 9 महीने का समय बिता पाए, वो फिर बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, सहरसा सदर अस्पताल लाए गए और सदर अस्पताल के बाद फिर उनको पटना रेफर किया गया, फिर उसी अस्पताल में वो पहुंचे और इस बार उनका निधन हो गया 19 जून 1967 को, वो चल बसे। मैं आपको थोड़ी सी कविता, मैंने दो कविताएं सुनाता हूं मैथिली की, जिनका अनुवाद मैंने किया। ये केवल ये आप समझ पाएंगे कि आखिरी दिनों में वो कहां थे। एक पहली कविता का शीर्षक है जेठ मास का गीत, हेठ बरखा जेठ हे सखी, जेठ हे सखी हेठ बरखा, कितनी दूर से स्मृति में आ रहे हैं इस प्राचीन बारहमासे के और भी प्राचीन शब्द, लोक शब्द। लेकिन मैं किस जगह हूं, जेठ की इस अग्नि धूसर दुपहरी में, इस वृद्ध जर्जर पाकर वृक्ष की छांव में क्यों अटका हूं मैं। जेठ हे सखी हेठ बरखा, लेकिन अब हेठ नहीं होगी, अब कभी नहीं होगी बरखा, धरती का फटा हृदय फटा ही रह जाएगा और उस गांव में अब कोई नहीं लेगा मेरा नाम, कोई नहीं पूछेगी कुंटे के पास खड़े होकर कब तक आएंगे फूल बाबू, कब तक शुरू होगा फिर से डाक बंगले पर शतरंज का खेल, कब तक। लेकिन अब कोई नहीं पूछेगा इस अग्नि जर्जर दोपहरी में मेरे हाल चाल, धरती का फटा हृदय नहीं जुड़ाएगा अब कभी। मुझसे कितना ज्येष्ठ, कितना अनुभवी, कितना चतुर चालाक है यह जेठ मास, और मैं कितना तुच्छ, कितना क्षुद्र, कितना आनर बता कि आषाढ़ सावन की प्रतीक्षा नहीं है मुझे, मुझे में नहीं है इतना भी आंतरिक आग्रह की हेठ हो बरखा कि तुम कुएं पर तुलसी दास के समीप आकर खड़ी हो मेरे लिए, कि बीत जाए यह चतुर चालाक जेठ,
और बरखा ऋतु आरंभ होने के उपरांत हम गांव लौट जाए, ऐसा कोई आग्रह नहीं है मुझ में अब। सारे आग्रह स्वप्न व्यथा कथाएं शेष हुई, अब मैं हूं और यह पाकर वृक्ष है और कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी भी तरह कोई नहीं, कोई नहीं अभी मेरे लिए, मैं हूं और यह पाकर वृक्ष है, मृत मलिन उन्मन मेरी तरह। दूसरी कविता है कोसी किनारे की सांझ। 8, 10, 15 जाने कितने पंछी परिचयहीन इस तरह मेरे सिर, मेरी आंखों, मेरे थके हृदय को छूते, जैसे उलाहना कोई देते मुझको। इस तरह मेरे प्रेम, मेरी घृणा, मेरे पके भय को छूते, 8, 10, 15 जाने कितने पंछी परिचयहीन उड़े जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस नदी, इस वन प्रांतर के चारों ओर फैल जाएगा घना अंधकार। जाने कितने पंछी, कितने शब्द, कितनी इच्छाएं परिचयहीन डूबी जाती है मेरी ही आंखों में। उड़ जाऊं इन्हीं पंछियों के साथ अनंत आकाश में, उड़ जाऊं, इतनी शक्ति नहीं है हे कवि अब इन पाखों में। डूबे जाते हैं मेरी ही आंखों में ये पंछी, यह समूचा मुक्त नील तारा विहीन आकाश, यह निर्जन एकांत सहन करने का केवल मुझे है अभ्यास। तो जिस तरह से इस कवि का जाना हुआ, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है कि हर पीढ़ी अपनी मार्मिकता के साथ इस आदमी को ढूंढने की यात्रा पर निकले और वो पाएगा, मैंने पाया है, वो पाएगा कि उसके भीतर जो सवाल हैं उसके बहुत सारे जवाब राजकमल चौधरी के पास हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तारानंद जी। मैं तरुण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो अपनी बात। बंधुवर तारानंद योगी जी, विकास जी और मित्रों, आज मुक्तिबोध की जयंती के दिन राजकमल चौधरी को याद किया जाना एक संगति में ही है। मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया था और 5:15 से काव्य संध्या भी होनी है, इसलिए कवियों को सुनना ज्यादा उपयुक्त होगा। राजकमल गद्य में पद्य में समभ्यस्त थे और मिथिला एक अद्भुत देश है। रूढ़िवाद का गढ़ मिथिला है और रूढ़िवाद को तोड़ने वाले का गढ़ भी मिथिला है। और नागार्जुन ने जो शुरुआत की, हाँ जरा से एक मिनट तारंग जी, और नागार्जुन ने जो शुरुआत की, और तारानंद जी तो ज्यादा भली भांति जानकारी है, नागार्जुन पर भी लिखा राजकमल चौधरी पर, कि बनारस से धक्का मिलना शुरू हुआ मिथिला की रूढ़िवाद को, और नागार्जुन उसमें अग्रणी थे, और उससे बढ़कर धक्का जो मिथिला को मिला वो राजकमल चौधरी से मिला। और लगता है कि जैसे कीचड़ में ही कमल हो सकता है, वैसे मिथिला में ही नागार्जुन और राजकमल चौधरी हो सकते थे, शायद वो शर्त थी उसकी। राजकमल चौधरी कविता से जुड़े हुए कवि माने जाते हैं, यानी लोगों की नजर में जो कविता नहीं थी, कविता का मतलब ये हुआ कि जो कविता कहता हो अपने को कि हम कवि हैं और कविता लिखता हो, लेकिन जो कविता है नहीं, और वो कविता नाम ही छायावाद की तरह जिसे स्वीकार कर दिया गया। ये कविता अपने आप में, उस कविता पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि केवल मैथिलों को नहीं पच रहा था, सो बात नहीं है, हिंदी जगत को भी पचाने में थोड़ा वक्त लगा था उसको, और उसमें सबसे अग्रणी कवि राजकमल चौधरी थे। पटना कॉलेज के विद्यार्थी तो नहीं रहे थे, लेकिन पटना कॉलेज
कैंपस में वो आए थे, मेरा अंदाज है कि घूम रहे होंगे, पढ़ने के लिए आए होंगे, कुछ दिन रहे होंगे, फिर चले गए होंगे, क्योंकि पढ़ाई उनकी भागलपुर से हुई। और वो कविता थी मैथिली में ही, लेकिन इसमें हिंदी अनुवाद में देख रहा हूँ कि है, और वो बड़ा दिलचस्प है। वो पटनिया लोग कैसे इस मैथिल बाबा जी को देखते थे, उस नजरिए को उन्होंने रखा है। और कविता का शीर्षक है पटनिया टट्टू के प्रति। मैं आया हूं कमतौल से पढ़ने के लिए कॉलेज में, हॉस्टल में सामान रखकर पैंट चढ़ाकर कोट पहनकर रात दिन दोपहर घूमता हूं मौज में पढ़ने के लिए कॉलेज में। वार वाह पटना कॉलेज, वार वाह पटना कॉलेज, दरभंगा महाराज की तरह देखते ही चकित हुआ। आया मिथिला से एक लड़का, चारों ओर देखकर मोहित हुआ, सारी चीजें अपूर्व, नजदीक में चाय की कैंटीन, इधर उधर छात्रों की टोलियां, एक दो तीन अनगिनत, सारे लड़के रमे हुए हैं, गप सप हंसी ठाके मोद विनोद अनुराग राग में, बाप रे बाप अनर्थ हो गया, मेरी ही ओर देखकर कह रहा है, मेरी ही ओर निहार रहे हैं, बोल रहे हैं बेशक देहाती है दरभंगिया है भुच्छ है, देहाती है दरभंगिया है भुच्छ है। ना भाई मैं नहीं हूं दरभंगिया, मैं तो हूं पटनिया टट्टू, मैं तो हूं पूरा पूरा निखट्टू, हाँ नया हूं, सीखते सीखते ही चाल पकड़ूंगा, चाबुक खाऊंगा, नाल ठोकाऊंगा, चाल पकड़ूंगा। अच्छा क्या कहा आपने, हैं क्या फिर से कहिए तो। हाँ समझा, उचित कहते हैं, सारे दरभंगिये होते हैं जन्म से रसोइया। हम लोग जब पढ़ते थे तो मेस में खाना वाना बनता था, तो जमाने में प्रचलित था कि दरभंगा को आईसीएस जिला कहा जाता है, इंडियन कुकिंग सर्विस जिला। पटना के सारे मेस चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो दरभंगिया बाबा जी से, और हम भी उन्हीं से खाए हुए हैं 5 वर्षों तक। क्या कहा आपने, क्या फिर से कहिए तो। हाँ समझा, उचित कहते हैं, सारे दरभंगिये होते हैं जन्म से रसोईया, पकाता है रसोई, पालता है पे, कमाता है गांठ के गांठों पे, किंतु मित्र सुना है कि हो रहा है हल्ला गुल्ला, मैथिल लोग मांग रहे हैं प्राण, कृष्ण के गोपिका में शासन को देते हैं गालियां खुल्लम खुल्ला, मोकामा में पुल बनता है, कुटिल कांटा भी फूल बनता है, दामोदर की अरण्य घटिका स्वर्ग के समतुल्य बनती है, और इधर रोती है मिथिला, मिथिला है पुत्र विहीन, मिथिला है शिथिला, कौशकी का प्रकोप है, मलेरिया का प्रहार है, जन जन के घर में मरण का महाहाहाकार है, किंतु उससे क्या कौन सुने, मैथिल है बेवकूफ, मैथिल है मूड, इसीलिए लपेटे हुए हाथी के सूंड। अब कह रहे हैं आप अतीत की बातें, अब कह रहे हैं आप अतीत की बातें, आपको नहीं स्मरण, आपने नहीं सुना है विद्यापति का नाम, अब मिथिला इनके भीतर का बोलता है, आपने नहीं सुना है विद्यापति का नाम, नहीं सुना मधुर गीत और स्वर्गिक माधुर्य तान, और काव्य के चमत्कार, गोपिका का श्रृंगार, राधिका का मनोहार, और उपालम और अभिसार, कृष्ण के केल मान विहार, नहीं सुने आपने, सीता के जीवन का तप ताप अभिशाप, सतत्व का विमन प्रताप, आपने नहीं पढ़ा मेरा उपनिषद, याज्ञवल्क का तर्क, गार्गी का ज्ञान, जनक की अनासक्ति, वशिष्ठ की भक्ति, परशुराम का स्वाभिमान, भारती मंडन द्वारा शंकर का मान मर्दन, तब आप क्या जानेंगे कि मिथिला क्या है। तो आप क्या जानेंगे कि मिथिला क्या है, है क्या मैथिल परंपरा, अरे वो पटनिये टट्टू, अरे वो निखट्टू, मेरे सब चूहे या नहीं कलेजे में, आप क्या पढ़ेंगे इस कॉलेज में। धन्यवाद। तारुण जी ने अभी जो कविता सुनाई है और मिथिला के संदर्भ में, मैं एक बात इसमें बस जोड़ने के लिए मैं संबोधित कर रहा हूं कि हिंदी साहित्य में जो तीन नाम, जो तीन नक्षत्र, महान नक्षत्र हैं, बाबा नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और राजकमल चौधरी, तीनों मिथिला के। अभी तो है, हम लोग को करने दीजिए। नहीं भाई, मैं बस जो
गर्व नहीं कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। बात बात छुपिया और दूसरी चीज एक बात और, कितने दोस्त नवाज थे राजकमल जी, जो बनारस का बार बार जिक्र आया। एस अतिवल एक बड़े अच्छे छायाकार थे, आप सब में से बहुत लोग उनका नाम सुने होंगे। तो अतिबल मिले भी होंगे, तो अतिबल जी और राजकमल जी अनन्य मित्र थे। मतलब राजकमल जी का किस स्त्री से अभी ताजा प्रेम प्रसंग चल रहा है ये अतिबल जी को पता रहता था। राजकमल जी जब 67 में गुजरे तो एस अतिबल का पटना में यहाँ पर नवल स्टूडियो चलता था और बहुत जमा जमाया स्टूडियो था। एस अतिबल ने कहा राजकमल मर गया और पटना में क्या रहना, वो अपने घर बनारस लौट गए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। मैं इस सत्र के तीनों वक्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सिर्फ एक सवाल, मैं योगी सर से पूछना चाह रहा हूँ। हम सब ये तो जानते हैं कि राजकमल चौधरी जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हिंदी के रहे हैं, और जैसा आपने बताया है कि उनमें बहुत मान्यताओं को तोड़ने का एक साहस भी था और उन्होंने किया भी, और भाषा भी उनकी चाकू के धार की जैसी है, ये सब हम लोग मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को और पूरे साहित्यिक जीवन को एक शैली की तरह उसका निर्माण किया कि वो विद्रोही थे, वो अपने जीवन को उन्होंने इतने अफवाहों से भरा, उसमें कुछ सच्ची थी कुछ झूठी थी, कि उनका पूरा जीवन लगे कि एक विद्रोही, एक लापरवाह, एक आवारा और एक मान्यताओं को तोड़ने वाला इंसान है। तो सच्ची झूठी कहानियों के साथ वो अपने जीवन को भी उन्होंने इस फ्रेम में रखा और उनकी रचनाएं तो हैं। तो क्या ये सायास था या अनायास होता चला गया? ये सायास था। और आप देखेंगे कि हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और जो अनचाही भीड़ है उसको भगाने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए कुछ तरीके इजाद करते हैं। हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में आप पाएंगे, नागार्जुन भी करते थे, नागार्जुन को मैंने देखा है कि वो कैसे आलतू फालतू लोगों को भगाते थे। राजकमल के भगाने का ये तरीका था, वो अपने बारे में अब गजब है। अब उनके साहस की आप कल्पना कर लीजिए कि वो ये रंडीबाज है, ये शराबी है, अब ये अपने बारे में दूसरा ये सामने वाला को ये लगे कि ये रंडीबाज है, इससे इस आदमी को खुशी होती थी। यहां ये तो मैंने इससे इसका मोह टूट जाएगा और ये फालतू का आदमी मेरे से दूर रहेगा, तो वो सायास करते थे। और बड़ी प्रतिभाओं में तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। और हम सब लोगों में से कोई ना कोई तरीका हर कोई आजमाता होगा फालतू लोगों को अपने से हटाने के लिए। राजकमल ये तरीका अपनाते थे और इतना बड़ा उनका साहस था कि अपने से अपने बारे में गंदी से गंदी बातें वो प्रचारित करवा देते थे। और वो किताब आप देखेंगे तो मैंने ढेर सारी बातें उसमें लिखी हैं और उसके मैंने प्रमाण दिए हैं। जो प्रमाण हम लोगों को मिले तो उसके कई बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो अपने बारे में उन्होंने मिथ्या अफवाह फैलाई और वो सच्चाई नहीं थी। तो ये सायास करते थे। हाँ बिल्कुल, ये विकास भाई ने कहा कि वो पेशाब कर रहे हो और कोई पूछे कि भाई क्या कर रहे थे तो कहेंगे कि वो मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ। अब उस किताब में, मेरी किताब में एक प्रसंग आता है कि मेरे गांव में जो सबसे प्रतिष्ठित जो विद्वान पंडित थे, पंडित मैथिल कर्मकांडी, अब वो क्यों बिगड़े हुए थे उसका मैंने कारण दिया है। अब क्या है ना कि वो महसी में दो मूल के ब्राह्मण निवास करते थे एक जमाने में, वो उनके आदि बासिंदे कहलाते थे बुधवार महसी और पलिवार महसी।
परिवार महसी वो वंश है जिसमें बाद में डॉक्टर सर गंगानाथ झा अमरनाथ झा ये लोग हुए, वो परिवार महसी मूल में, और दूसरा जो मूल था वो बुधवारे महसी मूल था। तो बुधवारे महसी मूल ही वहां पे बचा रह गया। परिवार महसी को महाराज दरभंगा उधर ले गए, वो दरभंगा के इलाके में, तो बुधवारे महसी इनका मूल था। तो वो ये लोग जो है वर्चस्व वाले लोग थे और गांव के मालिक अपने आप को मानते थे। जमाने में श्रोत्रिय का दर्जा उनको मिला हुआ था, पंजी के ग्रंथों में उनकी बड़ी अहमियत मानी जाती थी। इन सब वजहों से क्या था कि मैं क्या बात कर रहा था, सायास वाली बात। तो उनके जो बुधवारे महसी के जो पंडित जी थे वो माने उसके उनके पंडित जी उस वंश के पंडित जी वो क्यों नाराज थे, आपको बहुत मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूं। उनके पास जब हम लोग गए और मुश्किल से उस समय मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी जब राजकमल चौधरी का भूत सवार हुआ था, और अब तो रचनावली हमारे सामने है। उस समय एक कहानी एक कविता खोजने के लिए और फोटो स्टेट का तब आविष्कार नहीं हुआ। तो वो पंडित जी क्यों नाराज थे मैं आपको बताता हूं कि वो उन्होंने कहा कि देखिए एक दिन की बात, मैं तारास्थान से लौट रहा था और वो तारास्थान जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में उनको पूछा कि फूल बाबू कैसे हैं, फूल बाबू कहां किधर गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो तारा से संभोग करने गया था। अब देखिए केवल उस पंडित को चिढ़ाने के लिए उस कर्मकांडी को, वरना तारा का जो मतलब वो उनकी भक्ति थी, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी थी कि जिसमें संभोग करना वो वर्जित शब्दावली के अंतर्गत नहीं आता था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तारानंद जी। अगला सर काव्य संध्या का है, हम जल्द ही ये सब शुरू करेंगे। आज की तारीख में बस नहीं, मैं ही आज की तारीख में केस हो जाए। बहुत धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट के लिए। हाँ हाँ अपन के नाम यही।